साहब दोनों सेक्टर में गया था, जिस तरह कल जेटीएन साहब गया ना हमारे न्यू लेकिन मैं भी कैजुअल लेबर का यही वो चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था, ठीक है। वो लोग सेक्टर में गया, सेक्टर से एक चिट्ठी लाया, जो चिट्ठी मैंने उठाया अभी मैं आप लोगों को यही देता हूँ। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने पहले तो वेजेस देना बंद कर दिया था ना, जैसे आप लोग बता रहे हैं, जब से भीम में चला गया वेजेस जो है ना वो नॉन प्लान से आएगा, बोलते हैं उससे पहले जो है ना जितना कैपेक्स बजट में जो ना पीएचई को पैसा रखता था, रजिस्ट्रेशन रीएक्टिवेशन या कोई भी स्कीम, उस स्कीम के अगेंस्ट आपको डिबेट करके देता था, गवर्नमेंट ने वो बंद कर दिया। लेकिन मार्च में हम लोग जाके ये लेटर तो हमने मार्च में लाया था, यही लेटर कि आप लोगों को जो पास प्रैक्टिस है उसी हिसाब से आप लोगों को वैसे छोड़ बोल के, ठीक है। अब इस साल के मार्च में जो ना हम तो पिछले साल तो था ही नहीं ना, हम तो अक्टूबर नवंबर में आया, तो ये प्लान जो ना ये प्लान पिछले साल का चल रहा था, हम उसी को ही कैरी कर रहे। अब हमारा बजट का प्लान कब है, कल है, ठीक है। अब उसमें हम आप लोगों को पीएचई में जितना भी पैसा स्कीम पे जाता है उस स्कीम में सीसी साहब से अभी मेरा बात हुआ था, हम कोशिश करते हैं उसमें थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा रखने की ताकि आपका वैसे भी जो है उसमें से निकल जाए। बाकी यहाँ नहीं देने का वो प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गया है, अब देना है। पिछले साल पास प्रैक्ट में जिस तरह आपको मिलता था उसी हिसाब से काम के अगेंस्ट रिपीट करके आपको सैलरी वेजेस देना है, ठीक है ना। अब कल मसला एक उठा कि ले सीसी जाके लाया वो लाया वो कॉपी ये है, डीसी कारगिल को एक चिट्ठी लिखा है कमिश्नर सेक्रेटरी लद्दाख अफेयर ने कि कैजुअल लेबर सब हड़ताल पे बैठा हुआ है, वो जैसे पहले ले और कारगिल में आप लोग सैलरी उनको देता था उसी हिसाब से कंटिन्यू करो बोल के लेटर, ये आपके पर्सन जो है उसको मैं देता हूँ। इसके बाद जाके अगर आप लोग डीसी से फिर से क्लेरिफिकेशन लेना है डीसी साहब से जाके क्लेरिफिकेशन ले सकते हैं, यही आप लोगों को बताने के लिए सीसी साहब ने मुझे बताया। कोशिश करते हैं आप लोगों का ये मसला जो है ना वही जैसे आप लोगों ने बोला 12 के 12 महीने पूरे कैजुअल लेबर को दे दे, वो तो पहले से भी नहीं मिलता था, जितना हो सके आप लोग बोलते हैं 3 महीना 4 महीना कुछ न कुछ करके सैलरी देता जाओ रिलीज करता जाओ, वो 100% मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। हम इसलिए आए हैं कि हमारी पिछले 2017 से हमारे तनख्वाह जो है हमें नहीं मिल रहा है, पेंडिंग है, तो लिहाजा हम इसलिए उठाते आ गया कि हमें तनख्वाह दे दो। अब इनका कभी तो हमारे सीसी से बोलता है, पिछले रमजान में हम लोग आ गए तो सीसी से बोलता है भाई आप 7 तारीख को आ जाओ, 7 तारीख को ऑफिसर को बुलाकर मीटिंग करेंगे, तो उन्होंने उस पर भी कोई जेर गोल नहीं किया। उसके बाद सीसी से बोला हम 13 तारीख को आपको दे देंगे जवाब, 13 को भी हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो उसके बाद जनाब ये सीसी साहब कल कह रहा है ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है, लेकिन सीसी साहब से हमने नहीं मिला अभी, उन्होंने ऐसे कुछ सुनने में आया कि 15 को बोर्ड मीटिंग रखना है उसके बाद जवाब दे देंगे। 15 तो ये दो दिन तीन दिन दिखाते आज महीना गुजर रहा है, हमें अब क्या करेंगे हम लोग,
अब डीसी साहब के पास बोल गया तो डीसी साहब बोलते हैं भाई आपको दो महीने तक हम कोशिश करेंगे। जिनाब हम दो महीने तक क्या खाएंगे, आप ही सोचो, आप भी तो बाल बच्चे वाले हैं, आप लोग भी तो कुछ सोचो हम लोग हमारे लिए। लेकिन हमारी कोई सुनने वाला खास नहीं है, इसलिए हम आज रोड पे आए हैं। आज थोड़ा बहुत ही हमारे बंदे हैं, कल हम बाल बच्चों को लेके आने हैं, कल परसों से अगर हमारे मसला हल नहीं हुआ तो हम लोग इस हद पे पहुंच गए हैं। ना हम इस वक्त किसी तक उधार ले सकते हैं, ना हम ले सकते हैं, ना कोई हमें दे दिएगा, ना ले सकते हैं। हमें इतना बड़े मुश्किल पे है, हमारी तनख्वाह जो है पिछले 2017 से हमारे पेंडिंग है तनख्वाह। तो हम बोलते हैं कि हमारी कम से कम हमें तनख्वाह दे दो। पिछले दफा बोला हम ईद को दे देंगे, गोलन साहब ने भी कहा ईद को दे दो। कारगिल लद्दाख में तो कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ बात ये खोखले वादे करते हैं लेकिन देता कुछ नहीं है। शुक्रिया। चंग 2017 का ना तहाल चुपा चाहा तनखा मत होबा जी सब मुश्किल बाहर टंकर ना टोने ना बाहर सिक्किम ना गांव किजोली लस्तु लेन बिचारों ला अने फून ला तो खर्चा तो हमने खुआ पहने खुआ मरने दे रहा यारा बाजार ला बिचारों ला उधर फोक्से हट्टी पोने जरा बिचारों पुलिस है तो हम मुश्किल आ दियो जरा बाहर ला सुटुडेन फ्रूस आयो सुटुडेन फ्रूस गामा पहने में तो बाहर ना फीस से तांग अच्छी फ्रूस गामा बेकार सुन चाहे मैं खुद ना चाहे फीस को उधर पलान तो दें ना चाहे अति तनखो मत हम 2017 के ने ये हाल लगा चंग लेपसिन चाहे ना अच्छी फ्रूस फेट पर रहा मुश्किल आ दियो से ना मुश्किल सो से दरे ना अने फ्रू तम खा खर्चा मनहेत पेन दीदी गचा दिस सेट अप छु पायो सिन दिगर एल तु पलंग अची दि मा पु पूरा छना सु मचा न गची फ्रू बस दिस ल थुगी मन गचे तेति यो संग गचा दिने ग दुक चिंग अची तम शिखन देने का शी गचा 20 साल छु पंग गचा दि सु सिन अची सर्विस बस है गची हेरा दिस के गचा न पुन जल तो जियां जख मा गामे न खा दि नौकरी मसला नु मेत छान 20 साल या 30 साल खुन दुने टेंशन लो जो के जो ने हां टेंशन में वेट पे टेंशन है सीचा सो वेट पे यार मन टेंशन सो सो से बिचारो ना ना बाहर ला को कुल्ली बचा मा सो ना बाहर ना को कमई बचा मा सो दिकला बना आस्टेन बाबू गांव मा बिचारा के किजोलन गांव मा माने लसे अनुखुम पिटाई बस जख जख से इरादा जख इलेक्शन पुला बना यत पे परमानेंट गांव मा आराम बस खामा खामा दुख नची बिचारा केजीएल लोन 3 दिन से पहले यार इलेक्शन ने डूटे छुता म फीस चाह तनखे कल बने रंग अच्छा 2-3 साल अच्छा तनखा मतम दिया हालत गलत दिन मेहरबान शुक्रिया।